कथा मुक्ति को प्रदान करती है, इसमें बंधुओं कोई संशय नहीं है। लेकिन वो मुक्त होते हैं जो कथा के चार नियम पर जीते हैं। पहला नियम जितासनो, आसन हमारा पवित्र और श्रेष्ठ हो जाए, आसन हमारा सिद्ध हो जाए। कल ही मैं एक बात कह रहा था कि लगातार किसी माला का जाप करते हैं तो वो माला सिद्ध हो जाती है, लगातार किसी मंत्र का जाप करते रहें तो वो मंत्र सिद्ध हो जाता है, लगातार किसी आसन पर आप बैठते रहें तो आपका वो आसन भी सिद्ध हो जाएगा। मलुकपीठ वाले महाराज जी भक्तमाली जी, वो एक बाघंबरी पर बैठते थे, उस बाघंबरी को महाराष्ट्र के किसी महात्मा ने उस बाघंबरी पर तप किया, राजा का नाम मैं भूल गया। महाराज जी के शरीर पूरा होने पर राज परिवार ने उस आसन को रखा, रखने के बाद कई महात्माएं उनको कह लियो ये आसन आप उपयोग करो। महात्मा लोग बैठते लेकिन उस आसन पर बैठ नहीं पाते, उसकी शुद्धि इतनी थी। एक दिन श्री भक्तमाली जी को वो आसन दिया गया, वो बैठ गए, तब से वो आसन उनका हो गया। कहने का प्रयोजन केवल इतना था कि आसन पर भजन करने से कई बार आसन में भी प्रभाव हो जाता है। जैसे मैं जिस आसन पर बैठता हूँ ये हमारा नहीं है, बहुत अच्छे विद्वान संत हुए, अब शरीर नहीं रहा, उड़ीसा के शरीर पर थे पूज्य महाराज जी, उत्तरकाशी में गणेशपुर पर उनका आश्रम था, उनके पूज्य गुरुदेव भगवान, और इतने श्रेष्ठ महात्मा, मानसरोवर पर कई वर्ष उन्होंने तपस्या की, और लगभग 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 45-50 साल पूर्व का पुराना आसन है ये। तब उन्होंने मानसरोवर पर इस आसन को लिया, जिनसे आसन मिला उन्होंने कहा तब 7,000 रुपए पर मिला वो आसन, और महाराज जी मानसरोवर पर बैठ करके इस आसन पर तप किए। फिर उनके महाराज शिष्य जो हुए उनको प्राप्त हुआ, जो उड़ीसा के थे, अभी शरीर नहीं रहा। हम लोगों ने दर्शन किया उनका, शरीर पूरा होने के बाद दो आसन उनके पास थे, एक मृग का था, एक ये जो मेरे पास है मृग वाला। हमारे गुरु भाई स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज अभी गंगोत्री पर है, और वर्तमान में गंगोत्री में -25 डिग्री टेम्परेचर है, वहां वो तपस्या कर रहे हैं। बद्रीनाथ जो आए होंगे उन्होंने उनका दर्शन किया होगा, 121 दिन के तो अदर्शन मौन पर है, वो एक गुफा पर बैठ गए, बातचीत हो नहीं रही, हम लोगों को भी पता नहीं कि भैया हैं कैसे हैं, क्या हैं नहीं हैं। गुफा आदि का हम लोगों ने दर्शन किया था पूर्व में, अब मार्च में उनका वो अनुष्ठान पूरा होगा तो फिर हम लोग दर्शन करने ऊपर जाएंगे। जिस दिन मौन पर बैठे उस दिन अंतिम बात फोन से हुई थी, -25 डिग्री टेम्परेचर, चारों तरफ केवल बर्फ ही बर्फ हो चुका है। 2-3 साल पहले हम लोग गंगोत्री मकर संक्रांति के दिन गए थे तो केवल सफेद ही सफेद दिखाई दे रहा था, सफेद के अतिरिक्त तो कुछ नहीं दिखता है। बर्फ पर चलोगे तो बर्फ आपके घुटने तक पैर अंदर घुस जाएंगे, ऐसे भुसभुसा बर्फ होता है, 10-10, 15-15, 20-20 फुट की बर्फ गिरती है, और ठंड में यदि 2-4 दिन रह लो तो आपकी चमड़ी तो फट जाएगी, गाल फट जाएंगे, हाथ फट जाएंगे, रक्त निकल जाता है, होंठ फट जाते हैं। मैं चूंकि शीतकाल आने से पूर्व ऊपर गंगोत्री से ऊपर केदार ताल है तिब्बत बॉर्डर पर एकदम, वहां से कैलाश पर्वत की चोटी शुरू होती है, कैलाश पर्वत का जड़ जिसको बोलते हैं वहां केदार ताल है, उस ताल के पीछे फिर केदारनाथ और ताल के बाईं ओर फिर बद्रीनाथ भगवान है। हम लोग गंगोत्री से पैदल गए, 4-5 लोग, अंशुल भी साथ था, तंबू लेकर के गए, सिलेंडर लेकर गए, तब वहां -15 डिग्री टेम्परेचर, और 5 लीटर वाला सिलेंडर ले गए थे भोजन बनाने के लिए, भोजन बनाने के लिए ले गए, जब रात को पहुंचे तो हम लोगों का सिलेंडर जम गया था, सिलेंडर नहीं चला, रास्ता तो कोई था ही नहीं। बंधुओं, जो महात्मा तपस्या करते थे या आए गए थे वो बता दिए थे कि स्वामी जी ये पहाड़ पार करोगे तो झरना आएगा, फिर उसके बाद ये झरना आएगा, फिर उसके बाद पूरब दिशा की तरफ जाना, दक्षिण दिशा का रास्ता खराब हो चुका है, रास्ता तो कोई है ही नहीं, पहाड़ी पहाड़ है और पहाड़ों में रास्ता भटकना बहुत आसान काम है, चूंकि सारे पहाड़ एक जैसे दिखते हैं ऊपर,
झरने बहुत सारे, और ये भी बता दिया किस झरने का पानी पीना किसका मत पीना, कई झरनों का जल पीने से दस्त शुरू हो जाएगा। और पहाड़ में तो बंधुओं हमने देखा एक घास होती जिसका नाम बिच्छू घास है, उस बिच्छू घास ने यदि आपको स्पर्श कर दिया तो लाखों बिच्छुओं जैसे आपके शरीर पर चू रहे हो काट रहे हो वैसा वेदना आरंभ हो जाएगा, इतना भीषण दर्द होता है। और प्रकृति का प्रभाव देखो, वैसे बिच्छू घास के ही बगल में वैसा ही घास जो बिच्छू घास के असर को समाप्त कर दे, ठीक उसके बगल पर पाया जाता है जिसका लेपन कर लेने से शरीर पर बिच्छू घास का असर मात्र एक मिनट में खत्म हो जाता है। बिच्छू घास दसे और वही दिखने वाली उसी प्रजाति की घास दस खत्म कर देता है, नहीं तो बिच्छू घास से आदमी को 5 मिनट में 104 डिग्री बुखार चढ़ जाए। चलते चलते हम लोगों ने देखा, नेपाली एक साथ में था जो थोड़ा सामान उठा रहा था, उसने एक घास दिखाई जो सफेद रंग की थी। बोले स्वामी जी, कोई आदमी कितना भी जल जाए और इसका पेस्ट पीस करके हाथ पर लगा ले तो उसकी चमड़ी वापस 2-4 दिन में ठीक हो जाती है। ऐसे ऐसे अनेक औषधि पहाड़ पर, बहुत दिव्य औषधियां, तपोभूमि उत्तराखंड। तो हमारे गुरु भाई अद्वैतानंद जी महाराज जी इस बार ऊपर तप कर रहे हैं। मैं आसन की बात कह रहा था कि आसन महत्वपूर्ण होता है बंधुओं। एक आसन पर बैठ करके यदि नित्य आप कोई सत्कर्म करते हैं तो वो आसन भी प्रभाव दिखाता है, वो आसन भी प्रभावशाली हो जाता है। इसलिए भजनानंदी व्यक्ति को अपना आसन साथ रखना ही चाहिए, आसन पर ही बैठना चाहिए। आप हमारे विप्र आचार्यों को देखें, ये मंच पे भी अपने आसन पे ही बैठते हैं। हम तो खैर साधु हैं, भजनानंदी व्यक्ति को अपने आसन पर ही बैठना चाहिए और आसन एक ही होना चाहिए। विद्वान तो ऐसा भी कहते हैं कि आसन को धोना भी नहीं चाहिए। कई लोग देखे गंदा हो गया तो लाओ सरफ पानी में घिस घास के धो दें। और दूसरा आसन का तात्पर्य कि जब भजन करने बैठ जाएं तो उठने का मन ही ना हो, इसलिए कहा जितासनो जीतस्वासो जीत संगो च जितेन्द्रियः स्थूले भागवतो रूपे मनः संधायेन्द्रा। प्रथम तो बंधुओं आसन स्थिर हो जाए, बार बार उठना बार बार बैठना बार बार आना बार बार जाना नहीं। परीक्षित कथा सुनने के लिए बैठे तो 7 दिन बाद ही उठे, इसलिए जब आसन पर बैठे कथा पर तो हमारी स्थिति ऐसी हो कि उठना फिरना पड़े, आसन बदलना ना पड़े। एक कोई ऐसी आसन पर बैठे जिससे शरीर को कष्ट ना हो। दूसरा जीतस्वासो, बंधुओं सारा खेल तो श्वास का है, श्वासों का क्या भरोसा रुक जाए कब कहां पर, प्रभु का तू नाम ले ले यही आसरा यहां पर, मत हंस कभी किसी पर न सता कभी किसी को, न जाने कल को तेरा क्या हाल हो यहां पर। इसलिए कहा परीक्षित श्वासों का नियंत्रण करें, और मंत्र दिया ओम भूर ओम भुवः ओम स्वः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम, श्वास का नियंत्रण कर लो परीक्षित, और फिर संगत अच्छी हो जाए। जीत संगो च जितेन्द्रियाः, संगति का बड़ा असर होता है जीवन में। बंधुओं आप अभी हम सब की संगत पर चल रहे हो तो भावना ऐसी है, माथे पर तिलक लगा रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, माला जाप कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, धोती कुर्ता पहन रहे हैं, प्रेम से राधे राधे कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, और यही ग्रुप चेंज हो जाए अंडमान निकोबार और गोवा की यात्रा होए तो तुलसी की माला छूट जाएगी, माथे का तिलक हट जाएगा और तिलक की जगह पाउडर लग जाएगा, धोती कुर्ता की जगह जींस पैंट आ जाएगा, साथी वही व्यक्ति वही
संगति और स्थान के भेद से हमारे विचार और व्यवहार में परिवर्तन हो गया। इसलिए कहा परीक्षित, कथा सुनने वाले व्यक्ति को संगति भी ठीक करनी पड़ेगी। जीत संगो जजितेंद्रिया। और फिर अंतिम विषय तो इंद्रियों का है, क्योंकि मैंने कहा जैसा देखते हैं वैसा विचार प्रकट होता है, जैसा सुनते हैं वह मन में विचार चलता है, जिसका स्पर्श इत्यादि करते हैं वो लेने की कामना बढ़ती है, और जैसा जिह्वा को रस प्राप्त होता है बार बार वो खाने की इच्छा भी हो जाती है। इसलिए परीक्षित, कथा श्रोता भक्त को इंद्रिय जैवी होना चाहिए। दिखे तो गोविंद, सुने तो गोविंद, पाए तो गोविंद का प्रसाद, और स्पर्श हो तो गोविंद के चरणार वृंद ही। स्थूले भागवतो रूपे मनः संधार्य इंद्रिया। और ऐसा भक्त जो जितासनो हो गया है, जो भक्त जीत संगो जीत स्वासो हुआ, जीत संगो जो जितेंद्रिय हो गया, वो व्यक्ति स्थूले स्थूल रूप से भागवत को हृदय पर धारण करके प्रेम से यदि भागवत सुनता है तो 7 दिन में उसकी मुक्ति निश्चित होती है। वो भक्त 7 दिन में मुक्त होता है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं।